मेरा हमेशा से ख्वाब था कि किसी दिन पहाड़ों के बीच में एक झील के किनारे अपना टेंट बिछाऊं और उस झील के किनारे घंटों तक बैठा रहूं, और जब शाम हो तो अपने लिए खाना बनाऊं, और जब रात हो सितारों से बातें करूं, और फिर जब सुबह हो मुझे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिले। ये मेरा एक ख्वाब था, मगर अब ये हकीकत में बदल चुका है। कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सी ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है, और हमने ये दुश्वार गुजार सफ़र किस तरह तय किया वो जानिए इस ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, लश्करगाह में सुबह हो गई है और रात को यहाँ पे हम टाइम से पहुँच गए थे। फिर हमने टेंट लगाया था और आज जो फाइनल हमारा 24 किलोमीटर है करम्बर तक, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और बाहर के सीन में आपको दिखाता हूँ। आज हमारा पांचवा दिन है और आखिरी दिन है, मैं भी आज हम करम्बर तक पहुंच जाए अगर अल्लाह ने खैरियत की तो। और यहाँ पे चाय वगैरह बन गई है, ये जहाँ भाई जो है चाय पी रहे हैं, चाय तो नहीं है कावा है, और ये आप देख सकते हैं कावा बना हुआ है। तो इंशाल्लाह आज हमारा इरादा है कि हम करम्बर तक पहुँच जाए। अली, कैसा रहा रात का एक्सपीरियंस लश्करगाह में? जी यार, रात काफ़ी अच्छी गुजरी है, मौसम बिल्कुल क्लियर था और ठंड भी इतनी कुछ खास नहीं थी, स्लीपिंग में हमारे अच्छे थे, साथ इज्जत भाई मेरे साथ सोए हुए थे, कोई इतनी ठंड नहीं लगी। अच्छा, मतलब सही अंदर जो है ना टेंट वार्म था, अच्छा मौसम। इंतहा भाई, कैसी गुजरी आपकी रात? मौसम बहुत ज़बरदस्त था, क्लियर है, और अभी जो हमारा ड्रीम था करम्बर का वो इंशाल्लाह पूरा होने वाला है ना। और हमारा एक बड़ा था मशर इफ्तिखार से, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। ये दारू उसके लिए, देखो ये दारू कहते हैं ये दवाई का काम करते हैं, बाकी दोस्त जो है ना वो पी रहे हैं, कावा पी रहे हैं, साथ में खजूर खा रहे हैं, और हम इफ्तिखार साहब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो हमारे बड़े थे और हमें गाइड करने वाले थे, तो वो हमारे साथ नहीं आए, और ये उसका ड्रीम था कि उस जगह पर इस जगह पे जो है ना वो कैंपिंग करे और इस जगह पे आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से वो ना आ सके। पैकिंग हो गई है, सारे रेडी हो गए हैं, और अभी हम जो है ना जा रहे हैं टूवर्ड्स करम्बर लेक। और जो एक साल से कर रहे थे जश्न करम्बर, आज होगा जश्न करम्बर जो है ना, इंशाल्लाह पूरा होगा, अल्लाह पूरा करेगा। गुजारेंगे उधर, कैंपिंग करेंगे उधर जो है ना, इसका ग्राउंड करेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। और गर्मश का जो है ना आपको सीन दिखाएंगे। आ हा हा हा, गोप्रो सेट कर रहे हैं, गोप्रो का जो है ना गिर गया है वो, और के पास सेंटर पे नहीं है, छोड़ो एक मिनट, सेंटर पे नहीं हो जाएगा, इसका जो एक्सटेंशन है वो गुम हो गया कहीं। नहीं, लश्करगाह जो है ना उससे हमारा सफ़र शुरू हो गया है,
हमने अभी जो ट्रैक है स्टार्ट कर लिया है मोटरसाइकिल्स पे। काफ़ी ये नैरो है, मतलब इस पे जीप वगैरह नहीं जा सकती या खच्चर जा सकते हैं, इस पे मोटरसाइकिल जा सकते हैं। और बीच में आती है बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स आती है, स्टीप चढ़ाइयाँ आती है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देट, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। काफ़ी जो है ना डेंजरस किस्म का ये रूट है, इसमें जगह जगह पे आपको इस तरह का कीचड़ मिलेगा जिसमें मोटरसाइकिल स्लिप होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा स्टीप जो है चढ़ाई शुरू हो गई है, और ये जो चढ़ाई है ये बहुत मुश्किल चढ़ाई है। जब भी आप जाते हैं लश्करगाह से करम्बर की तरफ तो ये चढ़ाई जो है आपका इस्तकबाल करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको धक्के लगा लगा के मोटरसाइकिल को ऊपर लेके जाना होता है, और हम भी अभी उस पैच तक पहुँच गए हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं कितना स्टीप है, अभी इसको हम धक्का लगाएंगे। ना मड़ा था नखी जी ना मड़ा देख कमा कर ले और कमा कर त्यानो खबर है मका हुई तो इधर रा खताशी हो गया मसो को आओ गाना जुमा भी कोशिश को हो काबू का ठकी दू ये थी हमारी पहली चढ़ाई ख़तरनाक किस्म की, जिस पे हम सब ने मिल के जाना बाइक के ऊपर चढ़ाई है। और अभी अल्लाह खैर करे कि आगे क्या सीन होगा। बहुत ही नैरो ट्रैक है जिस पे बाइक लाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आज इंशाल्लाह चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है और जाएंगे करम्बर लेक। चल रहे हैं और ये ही इस वैली की ब्यूटी है, और ये ऑफ रोड भी इस वैली की ब्यूटी है। ये इस साइड पे भी देखें उछर रहे हैं याक्स, और ये आप देख सकते हैं इधर भी कितना बड़ा जो है ना याक है, ये आप देख सकते हैं। ये है इस वैली की ब्यूटी, वाह। हमने तकरीबन कोई 15-20 मिनट का रास्ता तय कर लिया है। ये रास्ता जो है बहुत मज़े का है, सिर्फ एक पेच इसमें ख़राब आया था, बाकी आप देख सकते हैं कि ये मेडोज़ है उसके बीच में आपको जाना पड़ता है। तो अभी तक तो रास्ता इतना कोई ख़राब नहीं है, मज़े का ट्रैक है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस साइड पर आप देखें यार वो ग्लेशियर्स देखें, कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बहुत ही जो है ना अमेजिंग वैली है ये। और हमें जो है ना ये चांस मिल गया है कि हम इसको मोटर बाइक पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हालांकि ये ट्रैक है पैदल और खच्चर का। सामने जो है ना
एक नया सिलसिला जो है पहाड़ों का शुरू हुआ है, और ये भी मुझे हिंदुकश सिलसिला लग रहा है। बहुत बड़े बड़े पीक्स जो है ना वो नमूदार हुए हैं। थोड़ी देर के बाद जो है ना हमने सफ़र किया और फिर हमें ये नज़ारे मिले हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह के बीच में आते हैं, और पीछे आप देखें यार वो सारे याक्स जो है ना चल रहे हैं। इधर भी याक्स है, क्या मज़े का नज़ारा है यार। ओ वाओ यार, उफ क्या नज़ारा है, और ये क्या ट्रैक है ज़रा ये तो देख ले। थोड़ा सा भी जो है ना मोटरसाइकिल इधर उधर हो गया ना तो नीचे, और उस तरफ आप देखें क्या पहाड़ों का एक सिलसिला जो है ना शुरू हुआ है। हम स्लोली स्लोली जाएंगे इसके ऊपर, और वो वाला जो है ना वो भी थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म का लग रहा है यार। काफ़ी बड़ा जो है ना वो पेच आ गया जिस पर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। एक मोटरसाइकिल तो वो सामने खड़ा हुआ है इज़्ज़त भाई का 125, और ये वाटर क्रॉसिंग देखें आप। ओए हो वाटर क्रॉसिंग हो रही है, देखें ओए हो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बस खैरियत से पहुंचा दे करम्बर। हाँ ये टफ किस्म की चढ़ाई आ रही है, मगर ये है कि वो कहते हैं ना टीम वर्क ऑलवेज विन, टीम में अगर आप आते हो ना फिर मसला नहीं होता भाई। जो है ना चढ़ाते हैं फिर सारे मिलके, सारे बाइक तो चढ़ गए हैं अभी, और अभी ये मेरे ख्याल में आधा रास्ता हमने तय कर लिया। वो जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना उनमें जो है ना कहीं करम्बर झील है, 24 किलोमीटर का बताते हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर तो हो गए हमारे 10। ये है याक वैली, यहाँ पर ज़्यादातर याक पाए जाते हैं, और वो सामने आप देख रहे हैं चरागाह में मज़े से जो है ना ये याक चर रहे हैं। ये आप सारे देख रहे हैं ये दलदल है, इसमें मोटरसाइकिल जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये भी एक और जो है ना
डेंजरस किस्म की जगह आ गई है। अभी देखते हैं क्या सीन होता है इसका। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाटर क्रॉसिंग बीच में है। ये आप देख सकते हैं कि बाइक स्ट्रगल कर रही है इस जगह पे। बड़ा है लक्सा बार का वाकाना। ये YBR हमारा दोस्त जो है ना वो गिर गया था उस वाटर क्रॉसिंग में। उसके पास 125 है, 125 आपको पता है इतना टॉर्क नहीं क्रिएट करता। तो हम जो है अभी दोबारा हमने अपना सफ़र जो है वो जारी रख लिया है। और ये मेडोज आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत यहाँ पे फूल जो है ना है मज़े के। लोग जाते हैं नगमा वैली। नगमा वैली बहुत पॉपुलर है। क्या ये नगमा वैली से कम है? ये आप सामने देख सकते हैं उसी तरह का घास जो है ना उभरा हुआ है। और सामने आप पीक भी देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चित्राल प्रोगल वैली। हजर के जमा देखो अखपा होने लगे था। और एक कहानी हुआ लो सबर दो मिनट। हाँ तो अगर आने का जा
के वाटर क्रॉसिंग जो है ना ख़राब से ख़राब होती जा रही है, बीच में कीचड़ भी आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना मसला क्रिएट कर रही है। और ये भी एक ख़त्म नहीं हुई थी कि एक और आ गई। बस किसी तरह इनको क्रॉस करके करम्बर लेक पहुंचना है हमने। लो जी फिर जूतों में पानी आ गया। ओए 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 क्या बला खड़ी है सामने इन पहाड़ों का यार, अलग ही मज़ा है, इनका एक अलग ही नज़ारा है। और ये सामने आप देखें ना कितना मैसिव, इसके ऊपर ना ग्लेशियर पड़ा हुआ है, कितना मैसिव ग्लेशियर है। मतलब अगर इस पर थंडर स्टॉर्म आएगा ना, थंडर गिरेगा तो ये अगर नीचे की तरफ आ गया ना तो कितना पानी नीचे आएगा, सैलाब का ख़तरा होगा। इतने ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ग्लेशियर है वादी चित्राल ब्रोगल वैली में। हो गए हैं ये फूल चेक करें आप, येलो, मैजेंटा, ब्लू, ग्रीन, वाइट, कितनी वैरायटी है, ब्लैक भी है नज़र आ रहे हैं इसमें, इतने सारे इसमें फूल है। और ये जंगली प्याज भी इसमें उगा हुआ है, क्या बेली है ये। मैं जैसे ही शुरू से कह रहा हूँ ना कि इसका कम्बो कम्बो आप मेडोज, ग्लेशियर्स, वाटर क्रॉसिंग, अल्पाइन लेक्स, अल्पाइन ग्लेशियर्स, अल्पाइन माउंटेन्स, ये जो है ना कम्बो है कम्बो। होने वाला है क्योंकि छोटे छोटे पॉन्ड्स जो है ये यहाँ पे नज़र आने शुरू हो गए हैं। और ये वो पहाड़ है जिसका नज़ारा दिखता है करम्बर लेक से। वो सामने करम्बर झील है, नज़ारा सामने नजर आया है हमें। ओए होए होए तकरीबन हम पहुंच गए हैं करम्बर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा ये जो ड्रीम था ये भी पूरा हो गया। और अपने मोटरसाइकिल पे हम 5 दिन मुसलसल सफ़र करके पहुंच गए हैं करम्बर झील। वो सामने है करम्बर झील, सुभान अल्लाह क्या व्यूज़ है यहाँ से यार, उफ 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 क्या नज़ारे है। वाओ माशाल्लाह, फाइनली वी आर रीच्ड करम्बर झील। और करम्बर झील की पहली झलक हमें दिखी है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। उस अजीम बादशाह ने हमारे लिए वसीले बनाए और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं करम्बर झील खैर खैरियत से। सुभान अल्लाह वाह क्या नज़ारे हैं इसके, क्या व्यूज़ हैं इसके, उफ। ये था ना फाइनल हमारा वो डेस्टिनेशन जिस पर हमें आना था। वाह I'm more excited, it was my dream, this is the mighty करम्बर लेक, पाकिस्तान की सेकेंड हाईएस्ट अल्पाइन लेक। वाह अमेजिंग, ये कुछ हमारे दोस्त आए हमसे पहले
वाओ। फाइनली वी आर रीच्ड इंतखाबा लास रवा चो लासा ओले को आखिर देव को रो रसी दो साड़े आज मरे रो रसी दो तो टेंट हमारे सारे जो है ना लग गए हैं। करंबर झील हम पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, कोई मसला नहीं हुआ रास्ते में, बस बाइकों ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। और अभी मैंने अपना टेंट लगाया और कहां पे लगाया ये आपको दिखाता हूं। ये चेक करें, यहां पे हमने टेंट लगाया। टेंट ऐसी जगह पे लगाएं कि आपको इस तरह के मनाजिर देखें। और फिर सामने ये झील, ये सामने जो है गर्मोश, ये सामने जो है ये गर्मोश जूम पहाड़ है तकरीबन 6300 मीटर। और ये है करंबर झील, ये खैबर पख्तूनख्वा का फर्स्ट हाईएस्ट झील है और पूरे पाकिस्तान में ये सेकेंड हाईएस्ट झील है। फर्स्ट पे रश लेक है, उसके बाद जो है ये करंबर झील है। तकरीबन 4300 मीटर के ऊपर जो है ना ये अभी वाकया है। तो आप देख सकते हैं मनाजिर। और अभी जो है ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त करते हैं। खाना खाने लगे हैं, और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अचार लाए हैं साथ। अचार जो है ना खाएंगे रोटी के साथ। तो ये हमारा लंच है, शाम को फिर देखते हैं कोई मैगी शेगी बनाएंगे। बाकी दोस्त जो है लगे हुए हैं पिक्चर खींचने में। बताएं कि सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र तो बड़ा मज़ेदार रहा। भूख तो नहीं लगी? भूख लगी है ना, लगे अचार का रोटी का रिश्ता मज़ा आ रहा है अचार के साथ। देख सकते हैं लेक पे जो है ना तूफान आ गया है और टेंट हमने लगाए हुए हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब उड़ जाए, क्योंकि इतना एक्सट्रीम किस्म का जो है ना अभी तूफान आया उस साइड से, ताजिकिस्तान साइड से। और ये आप देख रहे हैं इस तरह से लहरें आ रही हैं लेक में। और वो जो पीक्स आपको दिख रही है वहाँ पे ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इस तरफ पे जो है गिजर का जो बॉर्डर है वो पड़ता है, जो पास है गिजर वो है। और इस टाइम पे एक्सट्रीम वेदर ख़राब होने वाला है क्योंकि तूफान आया हुआ है और हमने भी अपने आप को छुपाया है क्योंकि स्किन जो है ना वो जल रही है। आज बहुत धूप भी निकली हुई थी, तो इंशाल्लाह आज यहाँ पर कैंपिंग करेंगे।
चलने वाली है और अभी खाने का कोई बंदोबस्त करते हैं। ये मैं अपने साथ जो है ना मैंने उठा लिया है बर्तन, और अभी जो है झील के पानी में हम बनाएंगे मैगी। तो इससे भरता हूँ पानी, पानी सही नहीं है। चलो पानी भर लिया, इसको देंगे उबाला। वो सामने हमारे टेंट है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम किस्म की। ये जुलाई का महीना है और इतना एक्सट्रीम ठंड है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने गूज डाउन पहना हुआ है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। वो भी जाते हैं बनाते हैं मैगी। तो अब नहीं भाई जो है ना सिलेंडर फिट कर रहे हैं, ये मैगी वगैरह रखी हुई है, अभी इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। चका चोली और करम्बर की हो ये आप देख सकते हैं, करम्बर के किनारे स्नोफॉल हो रही है जुलाई में, कंप्लीटली स्नोफॉल है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं सुबह सवेरे कितने मज़े का मौसम हो गया है। स्नोफॉल हो रही है जुलाई के महीने में। हम अभी करम्बर लेक पे हैं, 4300 मीटर पे है, हाई अल्टीट्यूड वाला लेक है, अल्पाइन लेक है ये, और अभी स्नोफॉल शुरू हुई है और बहुत मज़े की स्नोफॉल है। मेरे साथ इंतखाब बैठा हुआ है, इंतखाब भी सही चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इसको। अनएक्सपेक्टेडली ये स्नो शुरू हो गई है, हमारा आज दूसरी रात है इधर में भी। हम जो है ना आज रात भी रुक जाए क्योंकि वेदर एक्सट्रीम जो है ना बैड हो गया है, थोड़ा ठीक हो गया है। अभी जो है धूप निकल आई है, बड़े मज़े का मौसम बन गया है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं अली जो है, अली ड्रोन शॉट्स बना रहे हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना अभी दोस्तों को भी साथ इंट्रोड्यूस कराया करो ना। अच्छा ये हमारा दोस्त है, ये टॉप रेटेड फाइवर फ्रीलांसर है और फाइवर इस तरह छोड़ के आए हैं, कहते हैं बस जो होना हो जाए, मैं करम्बर पे मानना है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जो है ना सुबह की चाय हम पी रहे हैं, ये कावा है, कावे के साथ हम जो है खजूर खाएंगे और इसमें शहद डाल दिया है हमने। और पीछे आप व्यू देख सकते हैं कि किस तरह का व्यू है। नाश्ता तो नहीं इसे कह सकते, वैसे थोड़ा सा जो है ना चाय वगैरह पी रहे हैं। अभी पड़ी है और बहुत ही मज़े का वेदर जो है ना अभी हो गया है। और उस साइड पे जो है ना आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं और बहुत ही अमेजिंग किस्म का अभी लेक का व्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्नो नहीं थी कल, ये सुबह हुई है और बिल्कुल सारा कुछ वाइट हो गया है। लोकेशन कुछ दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है।
ओए अली, ये ओए अली क्या करता है तू। ये अली का ड्रोन जो है ना पानी में गोता लगा गया है, लेकिन शुक्र है ड्रोन मिल गया है करम्बर के जीन में। ये था हमारा करम्बर लेक का सफ़र, और ये सफ़र यहाँ पे इख्तिताम होता है, मगर सिर्फ ये सफ़र यहाँ पे इख्तिताम नहीं होता। हम अपने साथ बहुत ज़्यादा यादें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है उसकी यादें, यहाँ पे कैंपिंग की है उसकी यादें, यहाँ पे खुले आसमान के नीचे लेट के सितारों से बातें करना, कुकिंग करना, यहाँ पे स्पीक के साथ बातें करना, स्पीक को देखना, घंटों घंटों इसको देखना, और इस लहरों का शोर, ये सारी यादें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा कब आना होगा यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने इस तरह के नज़ारे देख लिए। और ये सारा क्रेडिट जाता है इंतखाब को, मेरा भाई, मेरा दोस्त, इसने ये सारा प्लान अरेंज किया है, इसने ये ड्रीम देखा था, मैंने इसका साथ दिया और हम सारे इधर पहुंच गए। और बाकी भाइयों का भाई बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, रास्ते पे हम गिरे हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, धक्के लगाए हैं, और अली भाई का स्पेशल थैंक यू कि वो इस्लामाबाद से इतना दूर आके हमारे साथ करम्बर झील पे आए, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और इधर आए, और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा यादें लेके जा रहे हैं। बस ऐसे ही हमारा जो दो दिन हमने यहाँ पर स्पेंड किए हैं, कमाल का एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। चेक करें इज़्ज़त भाई, नईम भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने तक, और इन सब का स्पेशल थैंक्स मैं अदा करना चाहता हूँ।